तो ये बच्चा हाथ पे लगाने का तीसरा दिन है। तो कैसे है भाई, हो कोई गलती कर रहा हूँ तो बताना कमेंट करके। और ये बच्चा अब धीरे धीरे हाथ पे आने लगा है, ये देखेगा कोई बुलाने से चुटकी मारने से मेरे हाथ पे आएगा। अभी ये देखेगा अब आ गया हाथ पे। और ये बादाम है और ये चने, और ये इसमें चने भिगे हुए रखे हैं, और ये सिरिंज पानी देने के लिए, और ये गेहूँ। अब इसको गेहूँ खवाता हूँ मैं। ये देखिए अब गेहूँ अपने मुंह खोलना नहीं पड़ेगा इसका, ये खुद ही गेहूँ ले लेगा। ये देखिए धीरे धीरे सारे गेहूँ खत्म इसने कर लिए हैं। बस बच्चा हाथ पे लगाने के लिए एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भूखा रखो इसको उतना ही ज़्यादा दाना पकड़ेगा ये। अगर ये भूखा कम रहेगा तो दाना कम पकड़ेगा ये। जो चने, कभी चने खवाओ तो हमेशा एक टाइम में 6 से 7 ही चने खवाओ उसको। थोड़ा बहुत मैं 100 को चने देता हूँ, और दोपहर को चने देता हूँ इसको, और शाम को गेहूँ देता हूँ, और थोड़े से चने, तो उससे इसकी डाइट सही रहेगी। और कम से कम 20 ml एक टाइम में पानी, इसको खाने के साथ साथ एक टाइम पानी 20 ml कम से कम दो। 5 ml की सिरिंज है हमारी, तो 20 से 25 ml में पानी इसको देता हूँ। और ये देखिएगा मैं इसको छोड़ूंगा दूर, फिर ये मेरे पास आएगा। ये देखिएगा गेहूँ उठाते, देखो कैसा आया एकदम। आज तीसरा दिन है, बहुत अच्छे से ये खा रहा है और हाथ पे आने लगा। और अगर ये अच्छे तो हाथ पे आ गया तो उसके साथ केदारनाथ का टूर भी होएगा, उसके वीडियो भी आएगी आपके पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियो का दिखता पता चलता रहे। अब मैं इसको पानी दूंगा, 3 से 4 सिरिंज। बस ध्यान रखे कोई भी दाना ये चुगे ना, सारा जो भी खवाओ पिलाओ इसको हाथ से खिलाना पिलाना, तो ये हाथ पे लगना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर ये धरती से चुगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। कबूतर तो और भी है हमारे पास, ऊपर रहते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसकी एक्टिविटी। और बच्चों को ज़्यादा खाना ना दें, बच्चा तो ये मांगते रहता है, ची ची करता रहता है खाने के लिए, पर इसको ज़्यादा खाना ना दें, थोड़ा ही गेहूँ दें, थोड़ा ही वो दें। अगर ये बच्चा हाथ पे लग गया तो और भी बच्चे में हाथ पे लगाऊंगा, ये फर्स्ट टाइम है जो हाथ पे लगाऊंगा। काफ़ी दिनों से सोच रहा था हाथ पे लगाने की, पर लगा नहीं पा रहा था मैं। बस इसी के साथ वीडियो ही ख़त्म करता हूँ भाइयों। सभी भाइयों को राम राम, जय सिया राम।